हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय एडवेंचर चैनल गौरव एडवेंचर में। तो इस बार हम कवर करने जा रहे हैं रोप एंड कैराबिनर के बारे में। रोप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर रोप बनाई जाती हैं, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ कैराबिनर्स के बारे में बात करेंगे। कैराबिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आप लास्ट तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अब बात करते हैं रोप के बारे में। तो रोप होती है हमारी दो टाइप की, फर्स्ट होती है डायनामिक एंड सेकंड होती है हमारी स्टैटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले रोप को हमारी माउंटेनिंग एंड एडवेंचर लाइन में लाइफ लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना माउंटेनिंग एंड एडवेंचर लाइन दोनों अधूरी है, क्योंकि हम रैपलिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग में भी यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ जब हम एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी रोप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बिना हमारा एक्सपीडिशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमने बोला था डिफरेंसेस के बारे में डायनामिक एंड स्टैटिक में। तो पहले बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक जो रोप होती है हमारी, बेस मेकिंग में हम स्टैटिक रोप का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, ज़्यादा खिंचती नहीं है, तो इसलिए इसे बेस मेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आप कैंप साइट्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टैटिक रोप्स का यूज़ मिलेगा। अदरवाइज जब हम फ्लाइंग फॉक्स एक्टिविटी बांधते हैं या DRB अलग अलग टाइप्स की एडवेंचर एक्टिविटीज बांधते हैं तो परमानेंट बेस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक रोप का। अब आगे आते हैं डायनेमिक रोप का। डायनेमिक रोप क्या होती है, तो डायनेमिक रोप का हम यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग में ब्ले के लिए। ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है, खिंचाव होता है, अगर हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं और अचानक से फॉल होता है तो हमारी बॉडी पे झटका थोड़ा कम लगता है, स्ट्रेचेबल रोप होती है इसलिए हमारी कमर पे या किसी भी पार्ट पे झटका कम लगता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे डायनेमिक रोप का। इसके बाद आते हैं कि रोप बनती कैसे है। तो मेरे पास एक नॉर्मली रोप है या सीलिंग भी आप इसे बोल सकते हैं, माउंटेनिंग की नॉर्मल रोप पड़ी है मेरे पास। तो इसमें देखते हैं, अब थोड़ा सा जूम करिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं रोप हमारी बनी कैसे है। तो दो पार्ट से रोप बनाई जाती है, इसे हम कर्नामेंटल रोप भी बोलते हैं क्योंकि कर्न एंड मेंटल से रोप कंप्लीट होके बनती है। तो फर्स्ट बात करते हैं मेंटल की। तो ये जो ऊपर का इसका परत होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर का इसका परत है इसे हम मेंटल बोलते हैं। एंड ये जो हमारे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये रेशे से निकले हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं यार्न। एंड छोटे छोटे कर्न से मिलके ये रोप बनती है, तो इसलिए कर्नामेंटल रोप भी इसे बोला जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के ऊपर। तो पहला आता है यार्न। तो यार्न की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, कई सारे यार्न्स हैं यहाँ पे, तो इसकी अप्रॉक्स जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है एटलीस्ट आपकी 100 kg अप्रॉक्स होती है। तो कई सारे यार्न हैं तो इन सब का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मिला के अप्रॉक्स, और प्लस मेटल का भी अपना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, मेटल भी कुछ वेट उठा सकता है, तो इन सब का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है मिला के अप्रॉक्स 2K यानी 2000 kgs तक होता है। KN में इसे नापा जाता है, एक KN में अप्रॉक्स 98.8 kg अप्रॉक्स आता है। तो एटलीस्ट 20 KN बात कर लेते हैं, तो 20 KN इक्वल टू हो गया आपका 2000 kgs अप्रॉक्स ये वेट उठा सकती है। अब बात करते हैं इंडियन रोप एंड जो हमारी इंपोर्टेड रोप होती है उसमें फ़र्क क्या होता है, इनके रेट्स क्या होते हैं मार्केट में, अगर आप लेने जाते हैं तो क्या रेट्स में मिलेंगी रोप्स आपको। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेड रोप के बारे में। तो इम्पोर्टेड रोप जो होती है उसके जो मार्केट में रेट्स हैं अप्रॉक्स 18,000 से भी स्टार्ट होते हैं, 15,000 से भी स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके से आपको मार्केट में मिल सकती है। एंड दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखिए क्वालिटीज़ में थोड़ा फ़र्क होता है कि जो हमारी माना जाता है कि इम्पोर्टेड रोप है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है, एंड कंपनी से भी फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है इंडियंस में अच्छी रोप्स नहीं मिलती, इंडियंस में भी बहुत अच्छी रोप्स मिलती है, तो मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादातर कि आप इंडियन रोप्स का यूज़ करें। तो जैसा कि मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो मैं भी प्रेफर करूँगा आपको इंडियन रोप लें, एंड उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। तो जैसे कि इसमें एक कंपनी है गरेरा, गरेरा की कंपनी की आप रोप ले सकते हैं, साथ में मोतीलाल की भी आप रोप ले सकते हैं, इन दोनों की बहुत अच्छी रोप्स होती हैं। एंड बहुत सारी अभी नई कंपनीज़ भी हैं जो अच्छी रोप बना रही हैं एंड अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हमारे बना रही हैं, जैसे रोप्स हो गया, कैराबिनर्स वगैरह हो गया। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंडियन रोप लें, बाकी आप अपने तरीके से ले सकते हैं, अगर आपकी क्वालिटीज़ अच्छी देखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेड रोप भी ले सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे।
या दोनों को मिक्स करके एक इंडियन रोप एक इम्पोर्टेड रोप भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, बाकी सब आपके ऊपर। अब बात करते हैं ये रोप्स आपको मिल कहाँ सकती है। अगर आप दिल्ली से हैं या ऑल ओवर इंडिया में भी डीकैथलॉन बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं डीकैथलॉन के, तो वहां से आप ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ एडवेंचर पॉइंट्स है, एडवेंचर 18 है, रॉक्सफोर्ड से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आप वहां से भी ये रोप्स ले सकते हैं एक्सपीडिशन के लिए एंड बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम कैराबिनर्स के ऊपर, कैराबिनर कितने टाइप्स के होते हैं उसके ऊपर एंड कौन कौन सी चीजें होती हैं कैराबिनर्स में। तो मेरे पास एक नॉर्मल एक कैराबिनर पड़ा है, ये इसे प्लेन कैराबिनर भी बोला जाता है। इसके भी दो साइज आते हैं, एक नॉर्मल है सिंपल है एंड एक आता है इसका जम्बो साइज, तो दोनों में भी डिफरेंस है। एंड साथ ही साथ अब कितने टाइप्स के होते हैं वो बात करते हैं एंड इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। तो कैराबिनर जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इसके बाद कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आप वो जानते हैं। पहला है हमारा प्लेन कैराबिनर, सेकेंड है हमारा ऑटो लॉक एंड थर्ड आता है स्क्रू। तीनों में फ़र्क क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ इन्हें किया जाता है। तो मैक्सिमम जो प्लेन कैराबिनर होते हैं वो हमारी बेस मेकिंग में यूज़ होते हैं, जो हमारे स्क्रू कैराबिनर होते हैं वो आप क्लाइंबिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ऑटो लॉक कैराबिनर भी यूज़ कर सकते हैं आप क्लाइंबिंग में और अपने आप को किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए जब आप कोई चीज़ कर रहे हो या कोई बेस सेटल कर रहे हो। तो इसके बाद आते हैं इसका मार्केट में रेट क्या है एंड कौन कौन सी कंपनीज है जो कैराबिनर प्रोवाइड करती हैं। तो पेटजल का कैराबिनर माना जाता है कि सबसे अच्छा कैराबिनर होता है पेटजल का, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो आप पेटजल के कैराबिनर ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ और भी कई कंपनीज होती है जैसे मैडरॉक्स हो गया, तो मैडरॉक्स की भी बहुत अच्छे कैराबिनर होते हैं। ये जो कैराबिनर है हमारा मैडरॉक्स का है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव था वो था कि लोगों को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होता है एंड कई बार क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, उन्हें डर लगता है फ्लाइंग फॉक्स या कई सारी एक्टिविटीज होती हैं वो करने से कि अगर हम चढ़ें तो टूट जाएगा। तो इस वजह से मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का, ताकि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसके रेट्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए, ताकि आप क्लाइंट को भी बता सके और वो हेजिटेट ना करे कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा मैडरॉक्स का कैराबिनर है प्लेन कैराबिनर, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो अगर रोप हम ऐसे बांधते हैं एंड ऐसे इन दोनों पर अगर जोर पड़ता है तो अप्रॉक्स ये 24 kN तक वेट उठा सकता है। 24 kN का मतलब, kN का मतलब आपको बताया था 98.8 kg अप्रॉक्स इतना वेट उठा सकता है। इसके बाद आते हैं अगर गलती से रोप ऐसे हो जाती है, तो ऐसे में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 kN तक ऐसे भी वेट उठा सकता है, यानी 800 kg अप्रॉक्स तक ऐसे वेट उठाया जा सकता है कैराबिनर के थ्रू। अब आते हैं अगर कैराबिनर में ऐसे ही वेट है बट अगर ये लॉक खुल जाता है तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। तो लॉक खुलने से भी डरना नहीं है क्योंकि इसके बाद भी इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है आपकी 9 kN यानी अप्रॉक्स 900 kg तक रहती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्लाइंट पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है और ये कैराबिनर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और हाँ, ये कैराबिनर है, इसका नाम सही से आप जान लें, कैराबिनर है, इसे हुक ना बोले, हुपर ना बोले, कुछ और चीज़ें ना बोले, तो ये प्रॉपर कैराबिनर है। सो गाइज आई थिंक आपको अभी तक सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, रोप के बारे में एंड कैराबिनर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, इसकी डेफिनेशन पता चल गई होगी, कहाँ यूज़ होता है वो भी पता चल गया होगा और साथ ही साथ इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी आपको पता चल गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। सो टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बाय बाय।